हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत नया सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट किया गया है और उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को आब्यू चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो जो इसके पहले वाली क्लास थी, मैंने उसमें आप लोगों को इस आब्यू चैप्टर की जितनी भी बेसिक बातें थी उनको हमने बताया। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सारी बातें बताई और प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने के लिए मैंने जितनी बातें थी, जैसे आब्यू के प्रकार और आब्यूओं की समानता और मैंने आप लोगों को आब्यू की परिभाषा बताई, इन सारी बातों को मैंने उस क्लास में डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। यदि आपने उन सारी बातों को समझ लिया है तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्नावली 3.1 को हम सॉल्व करना बताएंगे और पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताएंगे। तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्लास अगर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करते हो कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये है वो है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ कितनी होंगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई आव्यूह, ठीक है, उसकी जो कोटि होती है वो उस आव्यूह में रो क्रॉस कॉलम की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। यानी जितनी भी रो होती हैं वो गिन लेते हैं हम, जितने भी कॉलम होते हैं उनको गिन लेते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट दिखा देते हैं, तो वो होती है उस आव्यूह की कोटि। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, या क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अगर उस आव्यूह में 24 अवयव हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो आव्यूह की कोटि होती है, ठीक है, तो कोटि में जैसे यहाँ पर रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो इनका गुणा कर लेते हैं तो हमें जो मिलता है उस आव्यूह में अवयवों की संख्या मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आव्यूह में अवयव कितने, 24 हैं। तो आपको ये बताना है कि संभव कोटियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो ये आपको अवयव की संख्या दी गई है, ठीक है, इसमें 1 से स्टार्ट कीजिए और 24 तक उन दो संख्याओं को लीजिए जिनका गुणा 24 आए। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 24 तक उन दो संख्याओं को लेना है जिनका गुणा 24 आए और वही संभव कोटियाँ हो जाएंगी। देखिए कैसे हम यहाँ पर 24 एक से स्टार्ट करते हैं, तो 1 × 24 हो सकता है, क्योंकि 1 और 24 का गुणा 24 होता है। तो एक कोट ये हो सकती है कि 1 × 24, ठीक है, और दूसरी कोट आपकी हो सकती है 24 × 1, ठीक है, और तीसरी कोट कौन सी हो सकती है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, या 12 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। तो ये 2 कोटियाँ हो सकती हैं, और उसके बाद 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 × 8 होता है 24, 3 × 8 = 24, या 8 × 3 तब भी आपका 24 आएगा। फिर 4 पर आते हैं, देखिए 4 × 6 = 24 होता है और 6 × 4 भी 24 आपका होता है, तो ये भी आपकी कोटि हो जाएगी। उसके बाद 5 पर आते हैं, 5 का गुणा हम नहीं कर सकते हैं किसी संख्या के साथ कि 24 आ जाए। फिर 6 × 6 = 24, जो कि आपको इसमें पहले से मिल गया, 7, फिर 8 × 3 = 24, जो कि पहले से इसमें लिखा है, तो लिखा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 फिर नहीं होगा, फिर 12 × 2 = 24 भी लिखा है, फिर 13 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के जो संभव कोटियाँ होंगी कितनी कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी कोटियाँ होंगी अगर उस आव्यूह में 24 अवयव हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है कि इसमें 13 अवयव हैं, अगर 13 अवयव हैं तो आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 13 तक ऐसी 2 संख्याएँ लेना है जिनका गुणनफल कितना है, 13 है, ठीक है, क्योंकि गुणनफल का मतलब वही कोटि होगी, ठीक है, जो कोटि होती है उनकी संख्याओं का जब गुणा कर लेते हैं तो वही अवयव की संख्या तो बनती है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 13, 1 और 13 का गुणनफल भी 13 ही होता है, या 13 × 1 लें तब भी आपका 13 ही आएगा, लेकिन 13 एक विषम संख्या है और 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 13 नहीं आ सकता है। तो अगर 13 अवयव होंगे आव्यूह के अंदर तो यही 2 कोटियाँ आपकी हो सकती हैं, यानी या तो वो स्तंभ आव्यूह होगा या तो वो पंक्ति आव्यूह होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, जितना बातें बतानी थी इसमें मैंने आपको बस सारी बातें बता दी हैं, बस इतना ही कुछ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, ठीक है, 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हैं, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी। देखिए, अगर 18 अवयव हैं उस आव्यूह में, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, 18 अवयव हैं
तो एक से लेकर 18 तक ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका गुणनफल 18 है। एक से स्टार्ट करना है जिससे कोई भी कोटि छूटने ना पाए, तो संभव कोटियाँ आपकी हो जाएंगी 1 × 18, 1 और 18 का गुणनफल 18 होगा, और 18 × 1 भी हो सकता है। उसके बाद 2 पर आएंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 9, और उसका उल्टा कर दीजिए, 9 × 2 भी हो जाएगा। फिर 3 पर आ जाएंगे, 3 × 18, तो 3 × 6, और उसके बाद 6 × 3, ठीक। उसके बाद 4 पर आ जाएंगे, 4 के साथ कोई भी संख्या लेकर गुणा करेंगे तो 18 नहीं आएगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 6 × 3 = 18, ठीक है। तो 6 × 3 = 18 इसमें है क्या? नहीं है, है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 7 पर आ जाएंगे, नहीं होगा। 8 पर आ जाएंगे, नहीं होगा। 9 पर आ जाएंगे, 9 × 18, तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई 9 × 18 है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर 10 आगे हो गएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 18 अवयव होंगे आप में तो संभव कोटियाँ कौन कौन सी होंगी, ये आपकी होंगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर 5 अवयव हैं तो वो विषम संख्या है, 5 × 1 हो सकता है एक कोटि, और 1 × 5 हो सकती है अगर 5 अवयव हैं तब। तो ये दो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में आते हैं अक्सर, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि हम क्या करें, कैसे संभव कोटियाँ ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सीरियल से आप चलोगे, 1-2 से अगर स्टार्ट करोगे तो आपकी कोई भी कोटि नहीं छूटने वाली है। चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, इसको आप नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि एक आव्यूह जो है वो 2×2 ऑर्डर का है। और देखिए हमने कहा था कि कोई आव्यूह है, जैसे मान लीजिए 2×2 का, मैं मान के चलता हूँ कि माना 2×2 का एक आव्यूह आपका है ए, ठीक है। तो 2×2 का अगर आव्यूह होगा तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, एक आपका होगा A11, एक आपका होगा A12, एक आपका होगा 21 और एक आपका होगा 22। हमने इसका मतलब भी आपको बताया था पहले वीडियो में कि A11 का मतलब ये है कि जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वो पहली रो और पहले कॉलम में उपस्थित है, A12 का मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम में उपस्थित है, A21 का मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम में उपस्थित है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आव्यूह है वो 2×2 का है और उसके अवयव आपको दिए गए हैं। जैसे देखिए पहला पार्ट दिया गया है, इसमें मैं पहला पार्ट बताऊँगा और आगे के जो दो पार्ट हैं उनको आपको स्वयं सॉल्व करना है, क्योंकि तरीका वही है, आप तरीका जान जाओगे तो सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए जो अवयव की वैल्यू है aij वो आपको दी गई है इस समीकरण के रूप में, i+j का होल स्क्वायर अपान में दिया गया है 2। देखिए मैंने ये भी बताया था कि जो i होता है वो आपकी पंक्तियों की संख्या होती है, j जो होता है वो स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2×2 का आप भी होगा तो उसमें यही एलिमेंट तो उपस्थित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आव्यूह का मान निकालने के लिए, ठीक है, इस आव्यूह के अवयवों का मान निकालेंगे। अगर आव्यूह हमें ज्ञात करना है 2×2 ऑर्डर का तो सबसे पहले हम क्या अवयव ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए A11 का मतलब i की वैल्यू आपकी 1 है और j की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, i के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 और j के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे बटे में 2 करेंगे, तो 1 × 1 = 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, और 4/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2। यानी 2×2 ऑर्डर के आव्यूह के जो पहले अवयव की वैल्यू होगी वो आपकी 2 होगी, है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे A12 ज्ञात करेंगे दूसरे अवयव की वैल्यू, तो A12 में i के स्थान पर आप 1 रखोगे, है ना, और उसके बाद 2 है, j के स्थान पर आपको 2 रखना है, इसका स्क्वायर कर देना और बटे में 2 कर देना है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9 और बटे में 2, 9/2 हो गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे A21 की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि 2×2 में A21 होता है, ठीक है। तो A21 का मतलब i के स्थान पर 2 रखना है तो 2 रख देंगे, प्लस j के स्थान पर 1 रखना है 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे, 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई 2 × 1 = 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 और बटे में आपका हो जाएगा 2। इसी प्रकार चौथा अवयव आपका कौन सा है, चौथा अवयव है आपका A22। A22 का मतलब i के स्थान पर 2 रखना है, j के स्थान पर 2 रखना है, तो इसी समीकरण में सारी वैल्यू रखना है, तो i के स्थान पर 2 रखोगे, j के स्थान पर 2 रखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और बटे में 2 कर दोगे, तो इस प्रकार A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16/2 इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। इस प्रकार मैंने क्या किया, जो आव्यूह ज्ञात करना है जिस कोटि का उसके सारे एलिमेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पर जो आव्यूह होगा 2×2 का, तो आव्यूह जो होगा आपका 2×2 का वो क्या हो जाएगा भाई, देखिए A11 कितनी आई आपकी वैल्यू, A11 की वैल्यू 2 आई, फिर
A12 की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 9/2, तो यहाँ पर 9/2 लिख दीजिए। उसके बाद A21 की वैल्यू भी 9/2, यहाँ पर 9/2 रख दीजिए। फिर A22, यहाँ पर A22 है, इसकी वैल्यू आपकी 8 है, ये 8 रख दीजिए। ये आप भी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो इसके दोनों पार्ट भी आप लगा लोगे, ठीक है। अब 2×2 का आप भी ज्ञात करना है, तो इन्हीं एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। बस आपके समीकरण चेंज हो गई है IJ की वैल्यू, ठीक है, IJ वाली, ठीक है। यहाँ पर देखिए AIJ इक्वल टू दिया गया I/J, ठीक है। अब इस समय दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या करनी है, इस समीकरण के अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। आपको रखना पहले जैसे A11 की वैल्यू फाइंड करनी है तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखना है। बस फर्क क्या है, समीकरण आपकी चेंज हो गई, ये वाली समीकरण आपकी चेंज हो गई, ठीक है। तो आप ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम रफ करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसके दोनों पार्ट आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि एक जो है वो 3×4 आव्यूह की रचना करना है आपको, और इसके अवयव जो है निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, यानी समीकरण आपको दी गई है। इसमें भी दो पार्ट आपको दिए गए हैं, तरीका वही है। आपको क्या करना है, जो आव्यूह दिया गया उसकी कोट बदल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी कोट जो है वो 3×4 है। 3×4 का मतलब जानते हो, जो पंक्तियों की संख्या होगी वो आपकी 3 होगी। तो यहाँ पर एक 3×4 का एक आव्यूह लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, 3×4 का मतलब जो है पंक्तियों की संख्या 3 होगी और कॉलम की संख्या 4 होगी, यानी पहला होगा A11, तो दूसरा होगा A12, फिर तीसरा होगा A13 और चौथा होगा A14। तभी तो 4 स्तंभ बनेंगे एक पंक्ति होगी, उसके बाद A21 होगा, A22 होगा, है ना, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, A34 होगा। अब देख लीजिए, इस आव्यूह की आप कोट निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी, 3×4 ही निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, ठीक है। तो इस आव्यूह की जो कोट होगी 3×4 होगी। तो अगर इस आव्यूह का तुम्हें मान फाइंड करना है तो जितने भी इस आव्यूह के अंदर एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जिसे पहले पार्ट में दिया गया है, क्या समीकरण आपको दी गई है, समीकरण आपको दी गई है AIJ इक्वल टू दिया गया है 1/2 और मॉड लगाया गया है माइनस का 3i प्लस का j, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर हमें इस 3×4 आव्यूह की वैल्यू फाइंड करनी है तो जितने भी अवयव इसके अंदर हैं इन सारे अवयव की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A11 की वैल्यू 1/2 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3×1 प्लस जे के स्थान पर भी 1 रखना है, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 1/2। देखिए 3×1 = 3, ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा, और मॉड से बाहर निकलने पर वो प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 1 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार हम अगले एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे A12 की, है ना, तो 1/2 i के स्थान पर हम कितना रखेंगे भाई, 1 रखेंगे, और j के स्थान पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो j के स्थान पर 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और देखिए 3×1 = 3 माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस का 1 होगा, और वो माइनस 1 जब मॉड से निकलता है तो वो आपका प्लस हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम A13 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A13 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पर देखिए ये माइनस का 3×, आई के स्थान पर कितना है 1 रख देंगे, और प्लस जे के स्थान पर कितना है आपका 3 रख देंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 3×1 = 3 माइनस का 3 और ये आपका प्लस का 3 0 हो जाएगा, 0 का मॉड 0 होता है, 0 का गुणा 1/2 से करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 1/2 × 0 बराबर 0 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार A14 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A14 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 1/2। अब आपको क्या करना है, -3×i के स्थान पर 1 रखना है और j के स्थान पर आपको 4 रखना है, इसको सॉल्व करोगे 1/2, यहाँ पर देखिए 3×1 = 3 माइनस का 3 और प्लस का 4, ये आपका हो जाएगा प्लस का 1, मार्ट से बाहर निकलेगा तो प्लस का 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। जस्ट इसी प्रकार आपको क्या करना है, इन 8 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी, यानी A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, अब आप लोग इसी तरीके से फाइंड कर लेना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, ठीक। A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, A21 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5/2। इसी प्रकार A22 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। A23 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। A24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आप फाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आगे जो है आपका, यहाँ पर देखिए A31,
A31 की वैल्यू, A32 की वैल्यू, A33 की वैल्यू, A34 की वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो A31 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, A32 यानी इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 7/2, A33 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगी 3, A34 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगी 5/2। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, देखिए तो आपको आप भी क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से जो आपको आप भी मिलने वाला है 3x4 ऑर्डर का, वो आपको मिलने वाला है। इनके अवयव की वैल्यू आप रख दीजिए बस। A11 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1 आई। ठीक है, A12 की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई, तो 1/2 रख देंगे। उसके बाद A13 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। A14 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए A14 की वैल्यू 1/2 आई थी, 1/2 रख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए A14 की वैल्यू आपने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए A21 की वैल्यू कितनी है आपकी, 5/2 रख दीजिए। A22 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख दीजिए। A23 की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 रख दीजिए। A24 की वैल्यू 1 है, तो 1 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए A31 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। A32 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। A33 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। A34 की वैल्यू 5/2। तो इस तरीके से जो आप भी मिला वही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि किस ऑर्डर का दिया गया है आव्यूह, उस ऑर्डर का आव्यूह बनाइए। ठीक है, उसके बाद जो है आप सारे एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बस आपका आव्यूह निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपके लिख के आएगा, और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। और आपको यहाँ पर देखिए 3 पार्टों में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन सेम ही है, बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को आव्यूह की समानता के बारे में बताया था। दो आव्यूह समान कब होते हैं, जब वो सेम ऑर्डर के होते हैं, और जब दो आव्यूह समान आव्यूह होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, बस उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और 6 का ये आपका पहला पार्ट है। इसमें यहाँ पर आपको आव्यूह दिया गया है एक, इसके अंदर एलिमेंट है 4, 3 और x, 5। ठीक है, इसी प्रकार अगला आव्यूह दिया गया है आपको, इसी ऑर्डर का है, जो कि y, z और 1, 5। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जो है ये बताइए कि अगर दो आव्यूह आपस में समान हैं तो x, y, z के वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर ये दो आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए तो 4 के संगत अवयव y है, तो यानी y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। ठीक है, तुलना करने पर, और जो 3 है, 3 यहाँ पर z के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 के संगत अवयव कितना है, z। ठीक है, तथा जो जेड की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आपकी हो जाएगी, 3। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक्स के संगत अवयव 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 1। तो इस प्रकार एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना हम बताएंगे। पार्ट 3 हम बताएंगे, पार्ट 2 आप सॉल्व करोगे। ठीक है, पार्ट 3 में देखिए क्या बताया जा रहा है। पार्ट 3 में ये बताया जा रहा है कि अगर एक आव्यूह के अंदर आपकी समीकरण दी गई है x + y + z। ठीक है, और उसके बाद दिया गया है x + z, और उसके बाद आपका दिया गया है y + z, है ना। और ये जो आव्यूह है एक स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें एक स्तंभ है और पंक्तियां आपके 3 हैं। और उसके बाद अगला जो आव्यूह होना चाहिए वो भी स्तंभ आव्यूह होगा, तभी तो ये दोनों आपके क्या होंगे, समान आव्यूह होंगे। तो 9, 5, 7 दिया गया है एक स्तंभ आव्यूह। कहा जा रहा है कि ये दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं, आपस में समान आव्यूह हैं। समान आव्यूह का मतलब इनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, यानी तुलना करने पर x + y + z की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 9 के। क्यों, क्योंकि इसके संगत अवयव, ये पूरा एक अवयव है, इसके संगत अवयव क्या है आपका, 9 है। यहाँ पर देखिए x + z की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और y + z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इन तीनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है बस। अब तीनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ही। देखिए यहाँ पर समीकरण एक देखें, अगर समीकरण एक है ना, तो इसमें x + y + z है, और इसमें देखें तो x + z है। समीकरण एक व अगर दो हम ले लें, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि समीकरण एक में x + z के स्थान पर हम ले सकते हैं 5, तो 5 लिख देंगे, और बचेगा क्या समीकरण एक में, y, और इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, देखिए
9 हो जाएगा। इस समीकरण में, समीकरण एक में हमने क्या किया है, समीकरण एक में समीकरण दो से हमने x प्लस जेड का मान रख दिया है। x प्लस जेड का मान कितना था, 5 हमने रख दिया x प्लस जेड के स्थान पर, 5 प्लस का y बचा इक्वल टू आपका 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, ये 5 उधर जाएगा, 9 से 5 जाएगा आपका, 4 बचेगा। y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दोगे। यहाँ पर इधर सॉल्व करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, मिलने नहीं देना, यहाँ पर लिख देना समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आप देख रहे हो, समीकरण 3 में दिया गया है y प्लस जेड इक्वल टू 7, y की वैल्यू आपकी 4 है, 4 प्लस जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 7, तो जेड इक्वल टू देखिए 4 उधर जाएगा, तो 7 माइनस 4 यानी आपको 3 मिल जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। अब जेड की वैल्यू 3 मिल गई, वाई की वैल्यू आपको 4 मिल गई, तो चाहे जेड की वैल्यू आप समीकरण 2 में रखकर एक्स का मान निकाल लें, या जेड और वाई का मान रखकर समीकरण 1 में आप एक्स का मान निकाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब आंसर अगर आपको चेक करना है तो वो भी चेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू 3 आई, वाई की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 वाई और जेड की वैल्यू आई, ये वाई जेड की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रख के देख लीजिए, तो वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 3, 4 3 7 होगा, जो कि 7 के बराबर आ रहा है, यानी ये आपका आंसर 100% सही है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी वेल मेंटेन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्क्रीन शॉट लेने के लिए मैं टाइम आपको दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप कापी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तब भी आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, लेकिन मेरी तो यही राय है कि आप कापी पेन साथ लेकर बैठें, क्योंकि आप अपना पूरा सिलेबस एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मेन मेन क्वेश्चन बताऊंगा तो उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है कि एक समीकरण आपको दी गई है, और इस समीकरण में आपको ये बताया जा रहा है कि आव्यूह, ठीक है, जो समीकरण है वो आपकी आव्यूह के रूप में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया गया है कि a माइनस बी, और दिया गया है 2a प्लस सी, और दिया गया है 2a माइनस बी, और दिया गया है 3c प्लस का डी। इस आव्यूह की जो वैल्यू है वो आपकी -5, 0 और 13 इस आव्यूह के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बराबर के चिन्ह लगा, इसका मतलब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, समान है, तो आपको ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, दो आव्यूह समान ऑर्डर के हैं और उनके बीच बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये दोनों आव्यूह समान है, वो कहें या ना कहें। तो ये अगर दो आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इसका मतलब इनके संगत अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो संगत अवयव देखिए, ए माइनस बी का संगत अवयव कितना आपका होगा, यहाँ पर -1 होगा। उसके बाद देखिए 2a प्लस सी, इसके संगत अवयव कितना आपका होगा भाई, 5 होगा। और यहाँ पर देखिए 2a माइनस बी के जो संगत अवयव होगा वो आपका 0 होगा। उसके बाद देखिए 3c और प्लस डी, इसके संगत अवयव कितना होगा, 13 होगा। तो चार समीकरण हैं, इन चारों समीकरणों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ए बी सी की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे चारों समीकरण को, और चारों समीकरणों में से हमें एक क्लू मिल रहा है, 2a माइनस बी इक्वल टू, अगर 0 वाली समीकरण ले लें तो 2a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b के बराबर, यानी b की वैल्यू 2a के बराबर आ गई। अगर इस b का मान यहां पर रख दें समीकरण 1 में, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो समीकरण देखिए 1, इसको आप 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, इसको 3 बना लीजिए, इसको 4 बना लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 है आपकी a माइनस बी बराबर -1, इसमें b का मान रखेंगे, देखिए a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2a आई, और इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -a इक्वल टू -1, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए 2a बराबर b था, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, एक स्थान पर 1 रखोगे, 2 1 2, यानी b की वैल्यू आपकी भी 2 मिल जाएगी। इस तरीके से आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a और b की वैल्यू अगर पता कर ली है तो आप c का मान निकाल सकते हो, समीकरण 3 ले लीजिए आप, ठीक है। समीकरण 3 में, समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 नहीं सॉरी 2 ले लीजिए, यहाँ पर हमसे गलती हो गई थोड़ा सा, समीकरण 2 ले लीजिए, क्योंकि 2 में आपका c है, या आप समीकरण 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 लोगे तो C का मान पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 4 अभी नहीं लिया, क्योंकि D का मान भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 में आपका दिया गया है 2a प्लस सी, और इक्वल टू आपका दिया गया है 5, कितना दिया गया भाई, 5 दिया गया। इसमें आप क्या करोगे, a की वैल्यू रख दोगे, तो 2 और गुड़े में आपका 1 है, और प्लस का सी इक्वल टू 5, तो सी की वैल्यू देखिए 2 1 2 2 उधर जाएगा, 5 से 2 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3, यानी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। अब आप समीकरण 4 ले लीजिए,
ठीक है, समीकरण, अब थोड़ा इधर सॉल्व कर रहे हैं ना, समीकरण चार से, समीकरण चार दी गई है 3c + d = 13, c की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आई, तो 3 इंटू में c के स्थान पर 3 प्लस डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 13, यानी d की वैल्यू आपकी हो जाएगी 13, 3 3 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9, यानी यहां से आपकी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से 9 जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, तो d की वैल्यू आपकी 4 हो गई, a की वैल्यू आपकी 1 हो गई, b की वैल्यू आपकी 2 हो गई, c की वैल्यू आपकी 3 हो गई। आंसर चेक करना है कि आंसर आपका सही नहीं सही, ये भी आप चेक कर सकते हो, यहां चेक कर सकते हो। देखिए आप किसी भी समीकरण में आप वैल्यू रख के देख लीजिए, जैसे यहां पर देखें तो 3c + d की वैल्यू के बराबर है 13 के बराबर, c की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आई, तो 3 इंटू में 3, और प्लस d की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 आई, आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9 4 आपका कितना हो जाएगा 13, जो कि RHS की वैल्यू के बराबर है, यानी आपका आंसर 100% सही है, किसी भी उत्तर माला को देखने की जरूरत है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये तरीका भी अच्छा लगा होगा और आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से भलीभांत, ठीक है। अब चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लीजिए। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि a इक्वल टू, देखिए एक अवयव दिया गया है, उसके नीचे लिखा है ij, ij का मतलब ये है कि जो अवयव है उसमें रो और कॉलम की संख्या आपको दी गई है, ठीक है, यानी रो का मान जो होगा आपको अभी बताया जाएगा कि उसका ऑर्डर कितना, देखो ब्रैकेट के बाहर उसका ऑर्डर भी लिखा है m क्रॉस n। इन्होंने कहा है कि एक वर्ग अवयव है, अगर वर्ग अवयव है तो आपको पता है कि m की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, उतनी होगी जितनी आपकी n की वैल्यू होगी, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा मैंने आपको यह बताई थी वर्ग अवयव की, कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वह अवयव आपका वर्ग अवयव कहलाता है, तो ये एक वर्ग अवयव है, तो इसमें m की वैल्यू किसके बराबर है, n की वैल्यू के बराबर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि m जो है वो लेस देन n है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और m जो है ग्रेटर देन n है ये भी नहीं होगा, m बराबर n है, तो ये ऑप्शन आपका हो क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ग अवयव में m की वैल्यू जो होती है वो n के बराबर होती है, मैंने आपको परिभाषा बताई थी अवयव के प्रकार के अंतर्गत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। आप देखिए यहां पर आपसे ये बताया जा रहा है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहां पर दो अवयव दिए गए हैं और ये कहते हैं कि किन मानों के लिए जो प्रदत्त युग्म है वो आपके समान है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे भी हम सॉल्व कर रहे थे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो बिल्कुल वही सब तरीका है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए, ठीक है। अब आप भी वो आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पर एक दिया गया है 3x और प्लस 7 और एक दिया गया 5 और दूसरा दिया गया है वाई प्लस 1 और दिया गया है 2 माइनस का 3x और इक्वल टू एक आप भी आपको दिया गया 0y - 2 और दिया गया है 8 और 4, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि इनके युग्म समान, मतलब इनके संगत जो अवयव वो आपस में बराबर है, 3x + 7 जो है वो आपका 0 के बराबर है, सेम ऑर्डर के हैं, बराबर का चिन्ह लगा है, तो उनके संगत अवयव बराबर ही होंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो -7/3 मिलेगी, यानी इस संगत अवयव से मैं दे रहा हूँ कि x की वैल्यू -7/3 आ रही है, तो प्रत्येक अवयव से यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, तभी ये दोनों अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और इनके एक्स वाई का मान, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर सॉल्व करें तो दूसरा है, वहाँ पर सॉल्व करें तो दूसरा है, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर मतलब ये है कि ज्ञात करना संभव नहीं, ये ऑप्शन ही सही होगा। तो पहले में तो मैंने देखा कि -7/3 आया, दूसरे में देखूंगा तो 5 जो होगा वो y - 2 के बराबर होगा, यानी 2 इधर आएगा तो ये 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी y की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब ये y और x की वैल्यू अगर इन्हीं इन मानों के लिए भी आ जाए वही, तब तो ठीक है, एक्स वाई का मान आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ज्ञात करना संभव नहीं, यानी वाई प्लस वन अगर देखें तो ये संगत अवयव 8 के बराबर होगा, यहाँ से वाई की वैल्यू देखें तो 1 उधर जाएगा, तो 8 से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 7, क्या देखो यहाँ पर वाई का मान भिन्न बनना आ रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ से आप देखिए 2 - 3x जब आप इसके संगत अवयव 4 के बराबर दिखाओगे तो देखिए 2 ये 4 इधर आएगा, माइनस का 4, ये 3x उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -1/3 आपको मिल जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू -7/3 मिली है। x के दो मान आ रहे हैं अलग अलग, y के दो मान अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब देख लीजिए कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। एक बार आ रहा है x का मान -1/3, y के मान 7, एक बार y के मान 7, x का मान -2/3 और b ऑप्शन में दिया गया ज्ञात करना संभव नहीं है। x के देखिए 3 ऑप्शन दिए गए x और y के, और तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि x का मान अलग अलग आ रहा है, दो बार आ रहा है, ठीक है, और y के मान भी दो आ रहे हैं अलग अलग, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर x का मान 1 आता,
ठीक है, जो कि एकदम सही होता और वाई का मान एक आता और सभी अवयव के लिए वो सेटिस्फाइड होता, संतुष्ट होता। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो संगत अवयव था इसके बराबर हमने दिखाया, तो एक्स का जो मान आया वो एक्स का मान इस समीकरण से भी वही आना चाहिए था, तब एक्स और वाई का मान यहाँ पर हम ऑप्शन टिक करते सही वाला, ठीक है। लेकिन एक्स के मान अलग अलग आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि एक से अधिक मान आ रहा है ना, इसलिए ज्ञात करना आपका संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो दिया गया है कि 3x3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल छोटा सा तरीका आपको याद रखना है। आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि आपको अवयवों का ऑर्डर कितना दिया गया है। तो अवयवों का ऑर्डर आपको दिया गया है 3x3, कितना दिया गया है 3x3। अब 3x3 ऑर्डर का अगर अवयव दिया गया तो इसका मतलब उसमें अवयव कितने होंगे आपके, 9 होंगे। उन 9 अवयवों को, ठीक है, किस प्रकार से व्यवस्थित करना है या कौन कौन से अवयव रखकर हमें व्यवस्थित करके अवयव बनाना है। तो अवयव आपके कितने, 2 हैं, ठीक है, 0 और 1। हमको 0 और 1 से ही 3x3 के ऐसे कितने अवयव बनाने हैं, ठीक है, जो अलग अलग बने, मतलब सेम नहीं बनने चाहिए। तो ये बताओ, 0 और 1 को ही इधर उधर बदलना है बार बार, तो कितने अवयव हैं पहले ये बताइए। 2 अवयव हैं। जितने अवयव से आपको उस ऑर्डर के अवयव का निर्माण करना हो, पहले अवयव देख लीजिए, 2 अवयव हैं, और उसके बाद वो अवयव जो है वो उस अवयव का ऑर्डर कितना है, उस ऑर्डर से कितने अवयव आ रहे हैं, तो 9 अवयव आ रहे हैं। तो जितने अवयव से उस ऑर्डर का अवयव बनाना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पर 0 और 1 से बनाना है तो 2 है तो 2 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अवयव में अवयव की संख्या कितनी आ रही है, 9 आ रही, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। और उसके बाद इसका जो है सोल्यूशन निकालेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है भाई, आप लोगों को पता है कि 2 का 9 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 का 9 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 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 2। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256 × 512। यानी कितने अवयव बनेंगे, 512 अवयव बनेंगे। अगर इस बात को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो मैं एक एग्जांपल लेकर और आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक अवयव दे दिया जाए, ठीक है, और बोला जाए कि जो ये अवयव है वो आपका 4x4 का अवयव है। तो 4x4 का अवयव होगा तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, 16 होगी कि नहीं होगी, बताइए, 16 होगी ना। और आपसे बोला जाए कि जो ये आपको 4x4 का अवयव बनाना है उसमें जो एलिमेंट रखने हैं वो सिर्फ आपको 0, 1 और 2 रखने हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं रखना है। यानी जो भी अवयव आपको बनाना है उसमें एलिमेंट 0, 1 और 2 के अतिरिक्त कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इन्हीं को इधर उधर बदल कर आपको अवयव बनाना। तो कितने अवयव बन सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अवयव कितने हैं आपके, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और यहाँ पर देखिए अवयव में टोटल अवयव कितने होंगे, 16, तो यहाँ 3 की पावर 16 इसका मान निकालेंगे, उतने आपके अवयव बनेंगे। तो यही मैंने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हो कि अवयव कितने थे, 2, और टोटल अवयव में अवयव कितने थे, 9, तो 2 की पावर 9 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 512। यानी अवयव कितने बन सकते हैं, 512। अब ये बात आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपकी प्रश्नावली 3.1 जो है सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ जिससे काफ़ी स्टूडेंट जब हमसे पढ़ेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आशा है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।